हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक नया टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूची जारी हुआ है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस देशों का स्थान क्या क्या रहा है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में चीन, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की बल्ले बल्ले हुआ है और भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है इस बार। पासपोर्ट इंडेक्स सूची में जो चीन को और यूएई को, सऊदी अरब अमीरात को अच्छा स्थान मिला है और भारत को थोड़ा सा झटका मिला है इस बार। ठीक है, तो चलिए जानते हैं किसमें क्या क्या हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया में, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ताजा रैंकिंग में चीन और यूएई को जोरदार फायदा हुआ है, वहीं भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है इस बार। भारत इस सूची में अब 6वें पायदान पर पीछे चला गया है। इस सूची में भारत जो है 6 पायदान क्या हुआ पीछे चला गया है। चलिए जानते हैं वो डिटेल से इसके बारे में। देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग जो है वो आ गई है। इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसके बाद सिंगापुर और दूसरा जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला हुआ है। सबसे पहला स्थान में किसको मिला है, तो जापान को मिला है। ठीक है, उसके बाद किसको स्थान दिया गया, तो उसके बाद दिया गया है सिंगापुर को, जर्मनी को और तीसरा स्थान पर दिया गया है आपका दक्षिण कोरिया देश को। ठीक है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने जोरदार छलांग लगाया है। इस बार जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है, चीन का और संयुक्त अरब अमीरात का रहा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन जो है पासपोर्ट में वो अफगानिस्तान का रहा है, जिसमें 116वां स्थान है, जो आखिरी स्थान पे है, और सीरिया, इराक, पाकिस्तान, ये सबका खराब प्रदर्शन रहा इस बार। वहीं भारत को इस ताजा सूची में करारा झटका भी लगा है और वह 90वें स्थान पर चला गया है। भारत इस बार कितना स्थान पर चला गया है, भारत 90वें स्थान पर चला गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर पासपोर्ट का ओलंपिक करा दिया जाए तो जापान इस पूरी प्रतियोगिता को जीत लेगा। बोला जाता है कि अगर पासपोर्ट के क्षेत्र में अगर ओलंपिक हो जाए तो जापान जो है इस पूरी प्रतियोगिता को जीत लेगा। ठीक है, क्योंकि जापान जो वर्ष 2006 से हर साल दुनिया के यात्रा के लिहाज से मित्रवत पासपोर्ट की सूची जारी करने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापान एक बार फिर से इस सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, ये कब से जारी होता है, ये 2006 से हर साल जारी होता है। ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है 2006 से हर साल जारी होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जो प्रदर्शन रहा है वो जापान देश का रहा है। जापानी पासपोर्ट धारक को दुनिया के 193 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस की सुविधा है। जापानी पासपोर्ट धारक को दुनिया के 193 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस की सुविधा प्राप्त है। हेनली ने बताया है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से इस साल लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। हेनली ने क्या बताया इस बार कि इस बार जो कोरोना संकट में जो है लोगों का जो ट्रेवलिंग रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडेक्स देखने को मिला है। ठीक है, फिर आखिर दूसरे स्थान पर सिंगापुर, चीन और यूएई ने बनाई अच्छी बढ़त है। सिंगापुर, चीन और यूएई ने अच्छा स्थान बाधित किया है इस बार। इसी वजह से कई देशों ने कोरोना को देखते हुए आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत से देशों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपना आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। आंशिक प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ कि एक देश में दूसरे देश का कोई भी नागरिक आना या जाना नहीं हो सकता उस देश में, तो प्रतिबंध लगा दिया है बहुत से देशों ने। इस सूची में दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, जिसके पासपोर्ट धारक को 192 देशों में एक्सेस की सुविधा है। ठीक है, जो है सिंगापुर, उसके पासपोर्ट धारक को कितने देशों में एक्सेस फ्री सुविधा है, तो 192। ठीक है, वो जापान का कितना है, तो 193 है। इसके बाद साउथ कोरिया आता है, जिसको 191 देश है। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी अमेरिका और ब्रिटेन 7वें स्थान पर रहा है। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी जो है अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो 7वें स्थान पर रह गया है इस बार। इस सूची में चीन और यूएई ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। इस सूची में सबसे अच्छा जो बढ़त बनाया है वो किसने बनाया है, वो बनाया आपका चीन ने और यूएई ने। ठीक है, यूएई ने बनाया है। शीर्ष 10 देशों की सूची में यूरोपीय देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखिएगा कि शीर्ष 10 कंट्रीज में, अगर आप देखिएगा कि टॉप 10 कंट्रीज में, तो टॉप 10 कंट्रीज में यूरोपीय देश की जो है संख्या सबसे ज़्यादा है। यूरोप देश की संख्या सबसे ज़्यादा है टॉप 10 देशों में। ठीक है, फिर देखें कि वहीं यात्रा स्वतंत्रता के मामले में चीन और यूएई ने पिछले दशक में शानदार सफलता भी हासिल की है। वर्ष 2011 के बाद से चीन 22 स्थान ऊपर चला गया है। 2011 जो है वो कितना 22 स्थान पर ऊपर चला है।
अब वह 90वें स्थान से घट करके 68वें स्थान पर आ गया है, यानी कि 2011 के पहले वो कितने स्थान पर रहा करते थे, 90वें स्थान पर चीन, लेकिन 22 स्थान ऊपर आया है, अब 68वें स्थान पर आ गया है चीन। वहीं यूएई ने 65वें स्थान से छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर जगह अपना बना लिया है। यूएई ने पिछले एक दशक में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है, यही वजह है कि उसके नागरिकों को 174 देशों में आसानी से पहुंच मिल जाती है। एक दशक पहले तक यह संख्या कितना था, 67 था, ठीक है, लेकिन अब जो है यूएई को 174 देशों में आसानी से एक्सेस की सुविधा मिल गया है। फिर है कि भारत 6 पायदान फिसलते हुए 90वें स्थान पर चला गया है। तो देखिए, भारत का जो स्थान 90वें स्थान पर चला गया है, इसके बारे में जानिए। तो इस ताज़ा सूची में 2020 की अपेक्षा भारत 6 पायदान फिसलते हुए 90वें स्थान पर चला गया है, और भारतीय नागरिकों को 58 देशों में वीजा फ्री मिला है। कितना देशों में वीजा फ्री मिला है इंडिया को, तो 58 देशों में, ठीक है। साल 2020 में भारत का स्थान जो है वो 84 था, 84 था, जब 2020 में 84 स्थान पर था इंडिया, तो उस समय भी 58 देश भारतीय नागरिकों को वीजा की एंट्री देते थे, ठीक है, और इस बार भी 58 देशों में ही वीजा फ्री दे रहा है। तो इस ताज़ा सूची में पाकिस्तान का स्थान सूची में नीचे चौथे स्थान पर बना हुआ है। इस ताज़ा सूची में जो पाकिस्तान का स्थान जो है उस सूची में नीचे से चौथा स्थान बना हुआ है, नीचे से कितना, बॉटम से फोर्थ स्थान में है पाकिस्तान का। पाकिस्तान 113वें नंबर पर है, पाकिस्तान का कितना है, 113वें नंबर पर है, और उसके नागरिकों को केवल 32 देशों में वीजा फ्री अनुमति मिला है। पाकिस्तान को जो है 32 देशों में वीजा फ्री अनुमति मिला है। सूची में अंतिम स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान का है, जिसको 116वां रैंक मिला है, ठीक है, और कुल 26 देशों में वीजा फ्री मिला है। अफगानिस्तान को 26 देशों में, पाकिस्तान को 32 देशों में, और इंडिया को 58 देशों में वीजा फ्री मिला है। उसके बाद देखिए डिटेल से जान लीजिए कि आखिर कैसे तय किया जाता है पासपोर्ट की ताकत, पासपोर्ट की जो पावर होता है उसको कैसे तय किया जाता है। तो जानिए, किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत या रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उसके धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में सफर कर सकता है। पासपोर्ट ताकत जो है वो इस आधार पर किया जाता है कि जो वहाँ के जो धारक है वो बिना पूर्व, मतलब उसके जो उस देश के जो धारक है, उस देश के जो लोग हैं, बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में सफर कर सकता है, मतलब बिना वीजा बनवाए वो कितने देशों में जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कितने देश संबंधित देशों के नागरिकों को अपने यहाँ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी देश किसी भी देशों को अपने देशों में आने के लिए वीजा फ्री अनुमति देता है। कितने देशों ने ऐसा दिया है तो इसी के आधार पर वो तय करता है पासपोर्ट की ताकत, ठीक है। वीजा ऑन अराइवल अधिकतर मित्र देशों को दिया जाता है, और वीजा ऑन अराइवल जो है अधिकतर किसको दिया था, मित्र देशों को। मित्र देशों में जैसे जापान हो गया, जहां के नागरिकों से उस देश को कोई खतरा नहीं होता है। जहां के नागरिकों को क्या होता है, जहाँ के नागरिकों से उस देश को कोई खतरा नहीं होता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका डेटा देता है। इसका डेटा जो कौन तैयार करता है, तो उसका डेटा तैयार करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो आई होप आपको पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अच्छे से डिटेल पता चल गया होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में इसी तरह की कोई एक नई टॉपिक को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।